बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, नाउ लेट कम बैक टू द टॉपिक। इंग्लिश में आपकी बुक 2 जो है उसमें 10 चैप्टर हैं, सही है? देर आर 10 चैप्टर्स। मैंने आपको क्लास के शुरू में भी बताया था कि हमने 10 चैप्टर नहीं पढ़ने, सही है? तो इन 10 चैप्टर में से हमने जो चैप्टर पढ़ने हैं वो हैं 7, सही है? वी हैव टू स्टडी 7 चैप्टर्स, सही है? अच्छा, जिसमें 20 मिनट्स हैं, शुरू के साथ हैं 20 मिनट्स। रिफ्लेक्शन ऑन द रिवर्किंग, द डे द डैम ब्रोक, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, एक्ट थ्री ऑफ द सिल्वर बॉक्स, द वर्ल्ड एज आई सी इट, और द डिवोटेड फ्रेंड्स। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो चैप्टर है बेटा, इन्हीं में से एमसीक्यूज आते हैं, क्वेश्चन आंसर आते हैं और वर्ड मीनिंग आती है। तो जो पिछले लेक्चर जो बच्चे अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो कल परसों एडमिशन हुआ है जिनका, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पिछले जितने लेक्चर हैं वो सारे आप जाके जो फेसबुक पे हमारा जो ग्रुप है, क्लोज ग्रुप, वहां जाकर आप वो देख लें पिछले लेक्चर, ताकि आपका चैप्टर 1 जो निकला है वो कवर हो सके। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर। बेटा, सेकेंड चैप्टर जो है इसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईव, दोबारा से बेदार होते हुए मस्तिष्क पर गौर व फिक्र। सही है, दोबारा से बेदार होते हुए मस्तिष्क पर गौर व फिक्र। अब रिफ्लेक्शन आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन माने वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे वाला रिफ्लेक्शन नहीं है ये। इंग्लिश में रिफ्लेक्शन के माने हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है मेडिटेशन, टू थिंक ओवर, टू पॉन्डर, टू पॉन्डर ओवर समथिंग, टू थिंक ओवर समथिंग, किसी चीज के बारे में सोचना, किसी चीज के बारे में पॉन्डर करना, पॉन्डर भी, थिंक भी, थिंक ओवर भी, किसी चीज के बारे में मेडिटेशन करना, तफक्कुर करना, सोचो विचार करना कहलाता है रिफ्लेक्शन। तो ये है दोबारा से बेदार होते हुए मस्तिष्क पर गौर व फिक्र। अब ये रिफ्लेक्शन माने क्या है? गौर व फिक्र है, कैपिटल लिखा ही इसने है। अच्छा, कीवर्ड्स सबसे पहले मैं आपको, मैं चैप्टर पढ़ूंगा नहीं, आई विल नॉट बॉदर यू टू रीड द चैप्टर, बिकॉज इन दीज ऑनलाइन क्लासेस इट्स नॉट पॉसिबल टू रीड लाइन बाय लाइन, सो आई विल गिव यू ओनली समरी ऑफ एवरी चैप्टर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब की वर्ड्स जो है वो भी बताता जाऊंगा मैं, और साथ में आपको चैप्टर की समरी भी बताता जाऊंगा। चैप्टर लिखा है बच्चों, बर्टरैंड रसल ने, बर्टरैंड रसल इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। बर्टन रसल कौन है? ऑथर है इस चैप्टर के। अब बर्टन रसल के बारे में बेटा, बर्टन रसल जो है वो 1872 में पैदा हुए, सही है? बर्टन रसल 1872 में पैदा हुए और जदीद वक्त के अजीम मुफक्किरीन में से एक जो है, वो जदीद थिंकर्स में से एक थिंकर, अजीम मुफक्किरीन में से एक मुफक्किर हैं, थिंकर हैं ऑफ मॉडर्न टाइम्स, 19th सेंचुरी के ये जो है वो मशहूर मुफक्किरीन में से एक मुफक्किर हैं। आपकी पैदाइश हुई 1872 में, सही है? बर्थ कब हुई? 1872 में बर्टन रसल की बर्थ हुई है 1872 में। आपको जल्द ही एयरडम मिल गया, ये एयरडम क्या होता है बेटा? एयरडम होता है उम्रा का खिताब, अमीर का खिताब। इंग्लैंड में पैदा हुए, अमीर का खिताब मिला आपको, लेकिन आपने अपने एयरडम का EARLDOM, आपने अपने इस एयरडम का जो है अमीर होने का खिताब का फायदा नहीं उठाया, सही है? अपनी कैरियर की शुरुआत की
बर्टन रसेल ने सिंस किया, कैरियर की शुरुआत की, इनकी बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया मैथमेटिका। आपने अपने कैरियर का आगाज किया जिस बुक से, उस बुक का नाम है प्रिंसिपिया मैथमेटिका। प्रिंसिपिया मैथमेटिका से आपने अपने कैरियर का आगाज किया और बहुत सारी तसानीफ लिखी है आपने। अब बर्टन रसेल जो हैं, वो न सिर्फ एक मुफक्किर थे बल्कि उन्हें एक खतरा था इंसानियत पर, कि इंसानियत को खतरा है न्यूक्लियर वॉर का। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही वो जो है वो प्री ऑक्यूपाइड रहे। प्री ऑक्यूपाइड माने क्या होता है? टू टेक इंटरेस्ट इन एनी टॉपिक और इन एनी सब्जेक्ट। तो आप प्री ऑक्यूपाइड रहे, यानी प्री ऑक्यूपाइड माने मैंने आपको क्या बताया कि बी टू टेक कीन इंटरेस्ट इन एनी सब्जेक्ट और एनी टॉपिक, तो उसको प्री ऑक्यूपाइड कहते हैं। तो आप जो है वो, आपको बहुत ज्यादा दिलचस्पी रही और सोच में रहे आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही कि इंसानियत को बहुत बड़ा खतरा है जंग अजीम का। सही है, जंग अजीम का खतरा लाहक है इंसान को। तो आप इस सोच की वजह से आप बहुत परेशान रहे और आपने एशियन कंट्रीज के हक में ये चैप्टर लिखा। तो न्यूक्लियर वॉर का जो थ्रेट है, जो खतरा है, वो जो है पूरी इंसानियत को था। तो इसलिए आप जो है वो, जिसके मैं एमसीक्यूज में लिखवाऊंगा ये, कि आप जो है वो वॉर्म एडवोकेट रहे। बर्टन रसेल वॉज अ वॉर्म एडवोकेट टू प्रोवाइड टेक्निकल एड टू एशियन कंट्रीज। बर्टन रसेल जो है वो वॉर्म एडवोकेट रहे प्रोवाइड करने में तकनीकी इमदाद एशियन कंट्रीज को। ये था इंट्रोडक्शन बर्टन रसेल का। अब जो ये चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, बेटा ये क्या है? पहला चैप्टर हमने पढ़ा 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटर, वो था मेलोड्रामा। तो बेसिकली ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट क्या है? इट इज एन एसे। रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट क्या है बच्चों? ऐसे ये क्या है? मजमून है। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये की वर्ड जो है जल्दी से कॉपी कर लें। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर बर्टन रसेल। बर्टन रसेल का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब हम चैप्टर की तरफ आएंगे, रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, और इसके बारे में अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। आई वॉन्ट यू ऑल to copy these keywords and press thumb, thumb को press कर लें on your screen। सब बच्चे लिख लें, शाबाश। तो हम को प्रेस करें स्क्रीन पर, और चूंकि सेकेंड चैप्टर की शुरुआत है, तो किसी को भी कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है इसमें जो हम शुरू किया हमने, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज को क्लिक करें और सवाल पूछें। बेटा लिख लिया है, सबने लिख लिया है? हाँ बेटा, सवाल है तो पूछो। अच्छा, थंब को क्लिक कर दिया होगा आप लोगों ने। मिटा रहा हूं मैं ये, I am going to erase।
बेटा इसमें जो है रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ऑफ द ईस्ट में जो है मुसन्निफ ने कंपेयर किया है ईस्ट और वेस्ट को, सही है, कंपेयर किया है ईस्ट एंड वेस्ट को। फिर वो कह रहा है कि ऑल्टरनेशन जो है, ऑल्टरनेशन कहते हैं तब्दीलियों को, ऑल्टरनेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट हैज अकर्ड थ्रू आउट द लास्ट 2000 ईयर्स। के जो ईस्ट और वेस्ट है इसमें किसको कंपेयर किया है, कंपैरिजन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये ऑल्टरनेशन ऑफ पावर जो है, ताकतों की तब्दीली जो है बच्चों ईस्ट और वेस्ट के दरमियान, ये वजूद में आई 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल कबल, 2000 साल पहले जो है ये पावर्स की तब्दीली जो है ईस्ट और वेस्ट के दरमियान हुई। अच्छा अब किन चीजों में कंपेयर किया है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिसमें ऑथर ने कंपेयर किया है ईस्ट और वेस्ट को। ऑथर ने बच्चों कंपेयर किया है ईस्ट और वेस्ट को दो टॉपिक में, दो टॉपिक के हवाले से ऑथर ने कंपेयर किया है ईस्ट और वेस्ट को, पावर एंड कल्चर, सही है, पावर और कल्चर के हिसाब से ऑथर ने ईस्ट और वेस्ट को कंपेयर किया है। ये कौन कौन से टॉपिक हैं, टॉपिक हैं हमारे पास पावर एंड कल्चर, तारीखी मजमून है ये। तो बेटा ये जो अगर आपसे पूछे जाए तो कंपैरिजन जो है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट जो है वो किन टॉपिक्स में है, तो कंपैरिजन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट इज इन बिटवीन पावर एंड कल्चर। फिर बर्टन रसल कह रहे हैं कि सबसे पहले, यानी बहुत शुरू में, बहुत ही शुरू में 2000 साल कबल, 2000 साल कबल कह लें तो ये पैगंबरों का जमाना है, सही है, बहुत ही पुराना दौर है। तो उस वक्त जो है सबसे पहले जो है वो ईस्ट जो था, ईस्ट मशरिक वो प्रीडोमिनेटेड था, सही है, ईस्ट मशरिक जो हमारा है, मशरिक जहां हम रहते हैं एशियन कंट्रीज, ईस्ट वॉज प्रीडोमिनेटेड। सबसे पहले बहुत ही शुरुआत में मशरिक जो था प्रीडोमिनेटेड था, सही है, मशरिक जो थे वो काबिज थे, कि किसमें काबिज थे वे बच्चों, मशरिक जो थे काबिज थे पावर और कल्चर में, पावर और कल्चर में मशरिक जो थे वो काबिज थे। यानी ये कहा जाए कि जो साइंस की इब्तिदा हुई है, जो इल्म का, जो इल्म की जो जो हमारा फैला है, इल्म जो हम दुनिया में फैला है, जो स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से हुआ है बच्चों, मशरिक से, ईस्ट वॉज प्रीडोमिनेटेड। फिर ये कहा जाएगा कि मगरिब जो है वो आगे बढ़े, फिर जो पावर और कल्चर है वो ट्रांसफर कहाँ होगा, मगरिब में। तो ईस्ट के बाद, ईस्ट ने जो इल्म की शुरुआत की, कुछ सदी बाद ईस्ट जो है वो जवाल पजीर हुआ, और जो वेस्ट है वो पावर और कल्चर में आगे बढ़ा। वेस्ट जो है वो, बेटा थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा जहन लगाना पड़ेगा, मगरिब जो है वो पावर और कल्चर में आगे बढ़ा। कल्चर में कैसे आगे बढ़े मगरिब, विद द राइज ऑफ ग्रीस, कल्चर में कैसे आगे बढ़े, विद द राइज ऑफ ग्रीस।
ग्रीस जो है बेटा, ग्रीक कहते हैं इसको, नया नाम है ग्रीक यूनान जैसे कहते हैं। वेस्ट बिकेम सक्सेसफुल विद द राइज ऑफ ग्रीस इन कल्चर और पावर में कैसे आगे बढ़ा वेस्ट विद द कॉन्क्विस्ट ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर सिकंदर आजम को कहते हैं। सिकंदर आजम जो है वो मगरिब की तरफ से जो है उसने फतुहात की, मगरिब की तरफ से सिकंदर आजम आगे बढ़ा तो वेस्ट ने पावर में जो है वो तरक्की का हासिल की सिकंदर आजम की फतुहात के साथ। वेस्ट ने पावर में तरक्की हासिल की विद द कॉन्क्विस्ट ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर की फतुहात के साथ। और कल्चर में कब आगे बढ़े विद द राइज ऑफ ग्रीस। फिर बताता चलूं मैं, पावर और कल्चर की बात हो रही है। वेस्ट बिकेम पावरफुल, पावर में हम कब बढ़े विद द कॉन्क्विस्ट ऑफ एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं सिकंदर आजम को। सिकंदर आजम की फतुहात के साथ जो वेस्ट है वो जो है पावर में जो है वो आगे बढ़े, यानी जो मगरेब है वो पावर और कल्चर में आगे बढ़ गया ईस्ट के मुकाबले में। सही है, ये लिख लें चावल, कीवर्ड लिखते जाएं ताकि आपको मैं स्टोरी भी बताता जा रहा हूँ इसकी, ऐसे जो है वो भी बताता जा रहा हूँ, मैं नरेट भी करता जा रहा हूँ, कीवर्ड भी लिख रहे हैं हम, इसके वर्ड मीनिंग भी लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इंशाल्लाह। व्हेन यू हैव रिटेन, सही है, व्हेन यू हैव रिटेन यू हैव टू प्रेस थंब टू मेक श्योर दैट वी कैन गो फॉरवर्ड। व्हेन यू हैव रिटर्न वी कैन गो अहेड, तो हरी अप क्विकली एंड प्रेस थंब, क्विकली नोट इट डाउन एंड देन प्रेस थंब। अच्छा बच्चों, हम जैसे कि ये फर्स्ट पेज चल रहा है इसके, तो ये मैं जो आपको समझा रहा हूँ स्टोरी, अगर ये आपकी क्लियर है तो आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर बेहतर तो यही होगा जब हमारे नोट्स अपडेट हो जाएं तो आप परचेज कर लें। होप दैट ऑल ऑफ यू हैव रिटन। अच्छा अब क्या हुआ, हम मगरिब आगे बढ़ गए, तो ये कहा जाएगा कि बेटा ये कहा जाएगा ये जो वेस्ट हैं ये आगे बढ़े फॉर 7 और 8 सेंचुरी। वेस्ट डोमिनेटेड और 7 और 8 सेंचुरी।
सेंचुरी। वेल्स जो है वो काबिज रहे बेटा 7 या 8 सदी तक। फिर क्या हुआ, फिर आपसे जंगें शुरू हो गई ना, ममालिक में यूरोपियन ममालिक की आपस की जंगें जो है वो उन्होंने बहुत बदहाली जो पैदा कर दी थी। फिर यूरोप में जो है जंगें छिड़ गई, और ये जंगें हुई किनके दरमियान, ये जंगें हुई याद रखें रोमन और जर्मन के दरमियान। ये जंगें जो हैं, जो वॉर्स हैं, ये हुई रोमन और जर्मन के दरमियान, जिसने यूरोप को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, और पावर और कल्चर फिर कहाँ ट्रांसफर हो गया, ईस्ट की तरफ। क्या कहा जाएगा, वॉर्स बिटवीन रोमन एंड जर्मन। इन फीबर्ड यूरोप, ये कहा जाएगा पावर एंड कल्चर ट्रांसफर टू। देखो बच्चों, जो रोमन और जर्मन में जंगें हुई, जिसने यूरोप को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से बेटा जो ये क्या कहते हैं, जो पावर और कल्चर है, ये कहाँ ट्रांसफर हो गया, ये ट्रांसफर हो गया दोबारा ईस्ट की तरफ। पावर और कल्चर कहाँ ट्रांसफर हो गया, ईस्ट की तरफ। तो ये जो दौर था, अब जो ईस्ट की तरफ ट्रांसफर हुआ, ये इंतहाई शानदार और बहुत ही ये इंतहाई शानदार और बहुत ही मुमताज दौर था। बेटा ये बहुत ही इंतहाई शानदार मुमताज दौर था मुसलमानों के हवाले से। ये अजीम दौर था दौरे खिलाफत का। दौरे खिलाफत समझते हैं, कैलिफेट, कैलिफेट कहते हैं दौरे खिलाफत को। जो इसके बाद रोमन और जर्मन के बाद यूरोप कमजोर पड़ गया, और पावर और कल्चर जो है वो ट्रांसफर हो गया किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। अब ईस्ट जो था इंतहाई शानदार, इट वॉज द डेज ऑफ कैलिफेट। मुसलमानों की जो बादशाहत थी वो स्पेन तक जो है वो फैली हुई थी। स्पेन, अब आपको पता है स्पेन में अब मुसलमानों की हुकूमत नहीं है। स्पेन जी बेटा कंटिन्यू करते हैं, रिजल्ट हो गया। हाँ बेटा, तो मुसलमानों की जो सल्तनत थी वो इंतहाई वसी और शानदार थी। जो मुसलमानों की बादशाहत थी, जो जो खिलाफत का दौर था, वो बहुत ही शानदार था। यहाँ पर कहा गया इसको मोहम्मदन वर्ल्ड। मोहम्मदन वर्ल्ड यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं इस्लामिक वर्ल्ड। सही है, मोहम्मदन वर्ल्ड का मतलब क्या, इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो इंतहाई शानदार था। इसके साथ मुसन्निफ ने जिक्र किया है चाइना का। चाइना में उस वक्त टैंग टैंग डायनेस्टी के नाम से उनकी जो नस्ल चल रही थी, टैंग डायनेस्टी के नाम से बादशाहत थी। चाइना की हुकूमत भी बहुत वसी और ग्लोरियस थी। सही है, चाइना की हुकूमत भी क्या थी, बहुत वसी और ग्लोरियस थी। और चाइनीज और मोहम्मदन वर्ल्ड वॉज स्प्रेड इन स्पेन, एंड इट वॉज द डेज ऑफ वेरी ग्लोरियस टाइम, ग्लोरियस डेज फॉर मुस्लिम एंड चाइनीज, फॉर बोथ ऑफ दीज नेशन। तो इस वक्त जो है वो यूरोप जो था वो पीछे हट गया था,
और पक्ष खाली का शिकार हो गया था, जिसको कहा गया यहाँ पर बारबेरिज्म। उस वक्त क्या हुआ था, यूरोप वॉज सन्क इन बारबेरिज्म। बारबेरिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों, बारबेरिज्म का मतलब होता है वैशी। यूरोप वॉज सन्क इन बार, यूरोप जो है बेटा बर्बरियत का शिकार हो गया था, बारबेरिज्म का शिकार हो गया था। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बर्टन रसेल, हालांकि आपको पता है यूरोपी, यूरोप का मुसन्निफ है, यूरोप का राइटर है, लेकिन उसने यहाँ पर ये जो है निशानदेही की है, उसने ये कहा है कि जो यूरोप उस वक्त बर्बरियत का शिकार था, तो यूरोपियंस इस दौर को जो है, इस दौर को जो है मोनोपोली के साथ, यानी कि एकतरफा तौर पर उन्होंने इस दौर को क्या कहा, डार के थे। सही है, यूरोप ने जो यूरोपियन राइटर्स हैं उन्होंने इस दौर को क्या कहा, डार्क एजेस। हालांकि डार्क एज नहीं थी ये, मुसलमानों के लिए तो डार्क एज नहीं थी। सही है, क्रिश्चियन यूरोप जो था वो सन्क इन बारबेरिज्म, क्रिश्चियन यूरोप जो था वो अंधेरे में चला गया था और बर्बरियत का शिकार हो गया था, लेकिन मुसलमान और चाइनीज अपने उरूज पर थे, लेकिन यूरोपियन थिंकर्स ने इसको क्या कहा, डार्क एजेस। ये तकरीबन 10वीं सदी की बात है, 10वीं सदी ईस्वी की बात है ये। यूरोपियन ऑल दिस पीरियड द डार्क एजेस। तो बेटा चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपके पास आ रही है, यूरोपियंस ने जब इस दौर को क्या कहा अपने लिए, डार्क एज, तारीख दौर का, लेकिन क्रिश्चियन यूरोप के लिए ये डार्क एज था, मुसलमानों के लिए और चाइनीज के लिए इट वॉज द ग्लोरियस पीरियड। ये क्या था, ग्लोरियस पीरियड था। अच्छा, अब जो है मुसलमान जो है वो आगे बढ़ गए थे, फिर मुसन्निफ ने यहाँ से जो इसका बैकग्राउंड है पूरा यहाँ पर क्लोज किया, और 10वीं सदी के बाद अब डायरेक्ट जो है वो बात करता है 16वीं सदी की, 16वीं सदी की बात, 15वीं सदी से शुरुआत करता है। वो नाम लेता है दो अजीम एक्सप्लोरर्स का, क्योंकि अब मुसलमान उस वक्त तो आगे थे, लेकिन बाद में जब यूरोप जो है, जो यूरोपियंस हैं वो जब बारबेरिज्म से आगे निकले तो क्या हुआ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ साइड ने अमेरिका का कुछ जिक्र ही नहीं किया, तो बेटा उस वक्त अमेरिका एक्सप्लोर ही नहीं हुआ था। सही है, अगर आपको लेक्चर समझ में नहीं आया तो ये आप दोबारा देख लीजिएगा, उस वक्त अमेरिका दरियाफ्त ही नहीं हुआ था। तो राइटर उसी की बात कर रहा है कि दो अजीम सैया, या जिसे कहते हैं समुंदर में सफर करने वाले, एरोप्लेन भी इजाद नहीं हुए थे। सही है, उस दौर में एरोप्लेन भी इजाद नहीं हुए थे, जो समुंदरों में सफर करने वाले दो एक्सप्लोरर थे, इन दोनों के नाम क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डिगामा। क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डिगामा नए मगरबी बादशाहत के बानी बने, न्यू वेस्टर्न इंपेरियलिज्म के, जो इंपेरियलिज्म यहाँ पे बादशाहत को कहा है, न्यू वेस्टर्न इंपेरियलिज्म के जो बानी बने वो थे ये दो सैया, क्रिस्टोफर कोलंबस एंड वास्को डिगामा। सही है, अब क्रिस्टोफर कोलंबस ने बच्चों अमेरिका दरियाफ्त किया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। ये कॉपी करें तो मैं बताता हूँ इन दोनों के बारे में, कॉपी इट क्विकली। Thank you.
बेटा अभी भी मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को कोई चीज, क्योंकि ये जो तारीखी चैप्टर है तो मुझे इट मस्ट बी लाइक बोरिंग टू ऑल ऑफ यू, बट इफ यू टेक इंटरेस्ट देन व्हेन इंटरेस्ट डेवलप इट थिंग्स विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, थिंग्स जो है वो समझना आसान हो जाएंगे। शुरू से जो मैंने समझाया वो समझे आप कि क्या क्या बातें बताई गई हैं, तो ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये लंबा चैप्टर है, 20 मिनट से एक स्टोरी थी, मैंने आपको 2 दिन में डिफाइन कर दी, एक्सप्लेन कर दी थी। ये चैप्टर जो है तारीखी चैप्टर है, इसमें इसके पूरे इसका बैकग्राउंड बताना आपको बहुत जरूरी है। ठीक शाबाश, थंब को जो है क्लिक करें, लिखने के बाद थंब को क्लिक करें। ऊपर का लिख लिया होगा आप लोगों ने, बिकॉज वी हैव नॉट इनफ टाइम। टाइम जो है हमारा जो है टाइम इज रनिंग लाइक एन एवर रोलिंग स्ट्रीम, ये भी कहावत है, सही है कि टाइम क्या है, टाइम बहते चश्मे की मानंद है। वक्त क्या है, बहते चश्मे की मानंद है, टाइम का पता नहीं चलता। अच्छा क्रिस्टोफर, बेटा क्रिस्टोफर ओलंबस एंड वास्को दे गामा बिकेम पायनियर ऑफ न्यू वेस्टर्न इंपेरियलिज्म। अब देखें आप लोग यहां पे के क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया, अमेरिका किसने दरियाफ्त किया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, वास्को डिगामा बिकेम पायनियर, ये जो दो हैं सैया, ये जो है बानी बन गए, पायनियर्स माने अर्ली सेटलर्स, पायनियर्स की मीनिंग क्या होती है, अर्ली सेटलर्स, पायनियर्स बन गए न्यू वेस्टर्न इंपेरियलिज्म के। इंपेरियलिज्म माने क्या होता है, इंपेरियलिज्म माने होता है बादशाहत, सही है, सुप्रीमेसी, किंगडम। क्रिस्टोफर कोलंबस बुनियादी तौर पर, क्योंकि अमेरिकन अमेरिका दरियाफ्त किया तो डेफिनेटली ही वॉजेंट अमेरिकन, सही है। तो इसके बारे में बता दूं कि क्रिस्टोफर कोलंबस बच्चों इटली से ताल्लुक था, इटेली जिसे इंग्लिश में कहते हैं, सही है। क्रिस्टोफर कोलंबस बिलोंग टू इटेली, ही वॉज एन इटेलियन एक्सप्लोरर, और उसने अमेरिका दरियाफ्त किया 12 अक्टूबर 1492 में, सही है। अमेरिका कब दरियाफ्त हुआ, 12 अक्टूबर 1492, ये मैं आपको बाद वाली क्लास में सारी चीजें लिखवा दूंगा। 1492 में उसने अमेरिका दरियाफ्त किया, एंड ही जस्ट पुट हिज स्टेप ऑन द लैंड ऑफ अमेरिका, एंड देन फ्रॉम दैट टाइम एंड ऑनवर्ड्स वेस्ट बिकेम डोमिनेंट। वेस्ट जो है वो आगे बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए, और बुनियादी नुकता क्या था उनका, साइंटिफिक टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक वॉज देयर मेन 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 इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक टेक्निक जो है उनका मेन इंस्ट्रूमेंट, असल इमदाद थी साइंटिफिक टेक्निक। साइंटिफिक टेक्निक की वजह से वो लोग वेस्ट जो है वो हमसे आगे बढ़ते चले गए 16वीं सदी से। अब दूसरा सैया कौन है, वास्को डिगामा। अब वास्को डिगामा कौन था, वास्को डिगामा का ताल्लुक है, हाँ वास्को डिगामा का ताल्लुक है पुर्तगाल से, सही बेटा, वास्को डिगामा का ताल्लुक कहाँ से है, पुर्तगाल से। तो वास्को डिगामा वॉज द फर्स्ट एक्सप्लोरर हु फाउंड इंडिया बाय सी रूट, समझ
रास्ते से उसने यूरोप को कनेक्ट किया इंडिया से। सही है, वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल से ताल्लुक था, वॉज द फर्स्ट एक्सप्लोरर हु लिंक यूरोप विद एशिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय सी रूट। वास्को डी गामा जो है वो समुद्री रास्ते से यूरोप से कहाँ आया, इंडिया। तो ये दो एक्सप्लोरर जो हैं इनकी वजह से जो है ये नई मगरबी बादशाहत के बानी बने, और इस तरह वेस्ट जो है वो आगे बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। और ये हाल हो गया कि मगरब ने हमारे ऊपर हुक्मरानी करना शुरू कर दी। हालांकि मुसन्निफ यूरोपियन है लेकिन वो साथ दे रहा है एशियंस का। तो बेटा अभी इसको यहीं पे रखते हैं क्योंकि टाइम हमें जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है कि हम मजीद जो है इसके बारे में डिस्कस करें। मैंने फर्स्ट एंड हाफ पेज आप लोगों को बता दिया है, फर्स्ट एंड क्वार्टर पेज आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। इंशाल्लाह कल जो है इसके 3 से 4 पेज आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। कल इसकी मजीद क्लास होगी, बी अटेंटिव एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चन देन आस्क। सही है, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, कल फिर मुलाकात करते हैं।